हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नया स्क्रिप्टिंग जीवन। बिफोर स्टार्ट द वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने दो पीस कार्डबोर्ड को ओवल शेप में काट लिया है। अब इसमें ग्लू लगा के दोनों पीसेस को चिपका देंगे। अब इसके एजेस को मास्किंग टेप से कवर कर लेंगे। मैंने कार्डबोर्ड के कुछ स्ट्रिप्स काट लिए हैं। इन स्ट्रिप्स को ग्लू से कार्डबोर्ड में इस तरह से चिपकाते जाएंगे। इन स्ट्रिप्स के जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है उनको काट लेंगे। अब ग्लू में थोड़ा सा पानी मिला के इससे मैं चिपकाने का काम करूँगी। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था तो मैंने यूज्ड वाइप्स को यूज किया है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। इन वाइप्स को मैंने इस तरह से चिपकाया है कि यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग आ सके। इससे थोड़ा अच्छा सा फिनिश आएगा इसमें। अब पिस्ता सेल से मैंने फ्लावर बनाए हैं। इन पिस्ता सेल को इस तरह से चिपकाएंगे कि वो फ्लावर जैसे दिखने लगेगा। अब पेपर के कुछ स्टिक्स मैंने बना लिए हैं। एक स्टिक में दूसरा स्टिक लगा के मैंने इसको लंबा कर लिया है। इसको मैंने बेस की एजेस को स्मूथ फिनिश देने के लिए बनाया है। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बेस में पिकअप ब्लू कलर यूज किया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। फ्लावर्स को मैंने पिंक कलर किया है। और इसके एजेस को गोल्डन कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। लाल पट्टी के डोर से मैंने फ्लावर्स के डालियों को बनाया है। इसको थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए यहाँ टैप टैप करते हुए ब्राउन कलर से कलर कर दिया है। लाल पट्टी डोर से कुछ लीव्स बनाएंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। लीव्स को आप अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं।
वाल पुट्टी दो से पतले पतले कॉइल बनाकर बॉर्डर में लगा देंगे। बाकी बचे हुए सारे पार्ट्स को कलर कर लेंगे। बॉर्डर में मैंने येलो कलर अप्लाई किया है। ये येलो कलर गोल्डन कलर के लिए एक बेस की तरह काम करेगा। येलो कलर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर करूँगी ताकि ये थोड़ा शाइनी शाइनी लगे और भी खूबसूरत लगे। अब मेरा वाल डेकोर रेडी हो गया है, तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। सो मेरा वाल डेकोर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।